We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विक्की सिंह। आज 25 दिसंबर है और आज के दिन जो है क्रिसमस मनाया जाता है। आपको एक बात बता दें कि क्रिसमस जो है ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को, लेकिन इसका कोई खास सबूत अभी तक मिला नहीं है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह जो है जन्म हुआ था। ईसा मसीह का 22 दिसंबर से इसकी तैयारियाँ जो है और इसके मनाने का जो स्वरूप है वो स्टार्ट हो जाता है। पूरा क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का त्यौहार है और पूरा ईसाई समुदाय इसे धूमधाम से मनाता है। पूरे दिसंबर माह से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जैसे हिंदू धर्म में दिवाली मनाई जाती है, दिवाली में घर को साफ सुथरा किया जाता है और नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, उसी प्रकार से ईसाइयों का ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसमें जो है घर को साफ किया जाता है और साथ में नए कपड़े खरीद कर 25 दिसंबर को जो है केक एक दूसरे को खिलाकर ये जो है क्रिसमस मनाया जाता है। आपको बताते हैं, हम इस समय गोरखपुर के एक चर्च में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तरीके से भीड़ जुटी हुई है जो है क्रिसमस को मनाने के लिए, और बच्चे और नौयुवक और नौयुवतियाँ यहाँ पर आपको मौजूद हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कैंडल को जलाकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके कहीं ना कहीं क्रिसमस को मनाने का एक परंपरा है और वो किया जाता है। 22 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है और 22 दिसंबर को ऐसा माना जाता है कि जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है और 22 दिसंबर के बाद दिन जो है धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं जो दिन बड़ा होने का अवकाश है बच्चों का वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। और 25 दिसंबर को ये माना जाता है कि जो दिन होता है वो थोड़ा सा आमतौर पर दिसंबर के दिनों से वो 25 दिसंबर का जो दिन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और यहीं से जो है दिन धीरे धीरे बड़ा होता है और रात धीरे धीरे छोटी होने लगती है। आपको ये बात बता दें कि जो मार्च में सबसे बड़ा दिन जो है वो काउंट किया जाता है। तमाम तरीके से तैयारियां होती हैं क्रिसमस की, लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और झांकियां निकाली जाती हैं क्रिसमस के दिन और वो आज निकल भी रही हैं। आपको एक बात और बता दें कि ईसा मसीह के दिन जिस दिन ईसा मसीह का ये त्यौहार मनाया जाता है क्रिसमस, उस दिन तमाम तरीके से जो केक का महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से लड्डू बाँट कर दिवाली मनाई जाती है उसी तरीके से क्रिसमस का ये त्यौहार केक बाँट कर मनाया जाता है। झांकियाँ निकलती हैं, सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हैं और ये परंपरा बहुत पुरानी है। ईसा मसीह के तमाम तरीके से जिस तरीके से ईसा मसीह पे अत्याचार हुए थे, वो किस तरीके से वो यहूदियों को बोले थे कि भगवान इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और तमाम उनका संघर्ष है वो पूरा ईसाइयों का जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में उनको मानता है और उनकी प्रार्थना करता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। कैमरा संभाल लेते सुमित और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह।